प्रिय स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ एंड वेलकम टू आवर चैनल सुमत गुरुजी। आज बहुत बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक इंपोर्टेंट विषय डिस्कस कर बहुत सारा पेरेंट्स को डिमांड थिला, बहुत सारा पिलांकर कमेंट थिला एंड सही विषय में कंप्लीट हमें डिस्कशन करबा। ठीक अछि, कौन थिला ना फर्स्ट जे नवोदय रिजल्ट ओडिसा आदर्श विद्यालय रो वेटिंग लिस्ट बा सिलेक्शन लिस्ट कट ऑफ केबे जे कट ऑफ केते जाईची एंड सेकंड लिस्ट रे केते कट ऑफ जीवो एंड तुम मानकर जो आदर्श स्कूल जो माने सिलेक्शन हे छन माने कि प्रिपरेशन में कि पढ़ीबे जो माने हे सारी छंती। ठीक अछि, तो सेही दिन सब कंप्लीट डिस्कशन करबा। नवोदय रो रिजल्ट बुझिसला, नवोदय रिजल्ट को डेट रे आसीबो बा को टाइम भीतर आसीबो, आगुरु केते डु केते डेट नवोदय रे क्राइटेरिया कोन अछि आ तुम केमिति रिजल्ट चेक करबो आ तुम सिलेक्शन हे छ नै केमिति जानबो से दिन सब कम्प्लीटली डिस्कशन कर देबी। जो मैंने देखो वीडियो फुल वाच कर एंड सांग मानक शेयर कर एंड सब सर्वप्रथम समस्त कहबी जो मैंने सुमन गुरुजी यूट्यूब चैनल नुआ बा चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर रख, बेल आइकन भी प्रेस कर कहीं तुम बेल आइकन प्रेस कर न वीडियो जहाँ भी मो नोटिफिकेशन को आसो तुम जापर ना। ठीक अच्छे, तो से काइंडली समस्त इनफर्म करो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर रख जाए किसी भी वीडियो तुम मिस न हो। ठीक अच्छे, फर्स्ट तुम कह नवोदय समस्त बुझे रख। प्रथम कथा हूँ नवोदय जो तुम रिजल्ट आसो बहुत सारा गार्डियन मैंने कमेंट सर आम रिजल्ट आम के स्कोर अच्छी के मार्क अच्छी आम देखिपर कि तार आंसर हूँ नो, तुम केते मार्क केते स्कोर हो देखिपर ना। ठीक अच्छे सर, आम जो स्कूल फर्म पकई मनकर पूरी डिस्ट्रिक्ट पिला। ठीक अच्छे, से कौन अच्छी ना कोणार्क नवोदय पकई कोणार्क नवोदय स्कूल जाए देखिपर मार्क नहीं, ता आंसर भी ना तुम्हें केबे भी देखी पारिबो नहीं। ठीक अच्छे, आउ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारा गार्डियन ये क्वेश्चन रोचे सर आदर्श ओएबी कथा कहूँ ओएबी रो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट केबे आसीबो। देखो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट जो फास्ट मेरिट लिस्ट जो मन आसी जाइछि जो मन हो फास्ट मेरिट सिलेक्शन हो सारी समस्त घर को कॉल आस व्हाट्सएप मेसेज आसूस एडमिशन करेंगे एडमिशन स्टार्ट होती 1 तारीख रू 10 तारीख भितर जिते फास्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट अच्छा वेट जो मैंने अच्छा सिलेक्शन हो सारी एडमिशन हो जो मैंने एडमिशन न करेंगे कौन सीट कौन कर ना वैकेंसी पड़ो सीट जो वैकेंसी तुम मन पड़ब तो मैंने कौन कर ना ये जो मैंने वेटिंग लिस्ट थी से एडमिशन करेंगे। ठीक अच्छे, और जो मैंने आदर्श स्कूल सब जिन कह नवोदय रिजल्ट केबे रु केबे डेट भर बाहर केमती तुम जानव केमती चेक कर तुम सिलेक्शन हो नहीं सब जिन कह। ठीक अच्छे, आज जो मैंने आदर्श एग्जाम क्वालिफाई करदे एडमिशन कर सर आम कमी पढ़ू बहुत सारा ओडिया मीडियम पिला अच्छा बहुत सारा इंग्लिश मीडियम पिला कमी पढ़ू कमी नोट हो ना कमी क्लास करू तर टी छोट इनफर्मेशन दिए समझे देखी नियो ये जिनटा। ठीक अच्छे, देखो तुम समस्त बहुत बड़ा खुशी खबर सीबीएसई क्लास 6 एडमिशन का ऑलरेडी एडमिशन चली बहुत सारा पिला एडमिशन कले कहीं आम लिमिटेड पिला नबू बहुत सारा पिला नबार ना लिमिटेड पिला नबू। ठीक अच्छे, लिमिटेड सीट अच्छे बहुत सारा पिला एडमिशन कर सारे जो मैंने एडमिशन कराया चाहते 7539094963 नंबर कंटाक्ट करके एडमिशन करेंगे। ठीक अच्छे, बेनिफिट कौन र्लास क्लास कौन बेनिफिट रखि ना समस्ते तुम मैथमेटिक्स पढ़ा इंग्लिश पढ़ा साइंस पढ़ा ओके जो सोशल साइंस रोचे आर 3टा पार्ट रोचे गोटे हूँ कौन समस्त बारंबार कही गोटे हूँ हिस्ट्री रोचे आ गए कौन ना जियोग्राफी रोचे आ गए सिविक्स तुम पॉलिटिकल साइंस रोचे सबूत जिन पढ़ा तुम मानकर तापर कौन कर देखने समस्ते क्लीयर लिमिटेड सीट्स अच्छी देखने समस्त ये जो मैथमेटिक्स रैथमेटिक्स पूरा मुझे तुमको फंडामेंटल सहित तो बेसिक पढ़े जमी कभी किसी प्रोब्लेम रही। ठीक अच्छे, तब तुम इंग्लीश गोटे बुक समझ देख तुम बुक रेपर एमती तब इंग्लीश कौन अच्छे ना इंग्लीश तुम बुक ना होची हनी सकल। ठीक अच्छे, ये जो हनी सकल बुक अच्छी आदि कौन अच्छे ना तुम प्रोज पाइब। ठीक अच्छे, पोएम पाइब एंड कौन पाइब ना ग्रामर भी पाइब। ठीक अच्छे, ये 3टा जिनस ये कभर कर दी 3टा जिनस पढ़ा खाली इंग्लीश मैंने इंग्लीश प्रोज में पढ़ा मैंने प्रोज पोएम आउ ग्रामर। ठीक अच्छे, तुम मैथमेटिक्स पढ़ा प्लस मुझे एक्स्ट्रा मैथ भी देवी क्लियर समस्ते नोट केमी कर सब जिन भी कही नियो समस्त देखी नियो तुमको आउ कौटी भी ट्यूशन जो पड़ोनी ऑनलाइन क्लास सफिशिएंट जो तुमने क्लीयरली भल से पढ़ो तपर से तुम कौन रोचे ना साइंस जमी कह देख ये तुम साइंस बुक ये तुम साइंस। ठीक अच्छे, ये तुम साइंस बुक तुमने साइंस भी पढ़ी पार साइंस नोट भी दिया दिज्वे केमती दिज्वे से कहीदेवि यहाँ हूँ हिस्ट्री तुम आईटा हूँ जियोग्राफी आउ गए सिविक्स आईटा भी पढ़ा जो पॉलिटिकल साइंस तार क्लास नोट सहित तो पढ़ा टोटली तुम समस्त नोट भी दिज्वे देख समस्ते केमती कौन कर हाउ टू टेक् स्टडी नोट केमी बनइब केमी ग्रुपिंग कर मैपिंग कर सब जिन कह तो नो प्रोब्लेम देख ये डेमो देखे देखी ना समस्ते
स्टडी प्लानर केमती रही है समस्त कौन कौन मिले ना तुम सब्जेक्ट जहाँ पढ़ा तादर एक्टिविटीज दिया जाए होमवर्क तुमको कर दिया जाए तुम्हें से होमवर्क सब कर ठीक अच्छे टास्क लिस्ट तुम रही है सब जो जो सब्जेक्ट पढ़ा जाए तरह टास्क लिस्ट भी रही है नोट्स भी कर रिमाइंडर भी तुम क्लास पूर्व मिली जाए क्लास नोट भी मिल समस्त गोटे एक्जाम्पल दे दूसरी देख गोटे सेकेंड तुम नोट केमी बंधा जाए देख मनकर चैप्टर टू अच्छी तुम्हार न्यू कौन अच्छे ना कंपोनेंट ऑफ फूड व फूड कौन कौन कंपोनेंट सब अच्छे ठीक अच्छे मनकर न्यूट्रिएंट पढ़ा व्हाट इज न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट कौन ना फूड सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ द बॉडी ठीक अच्छे तो ये हूँ न्यूट्रिएंट तो यही जिन सब पढ़ा क्लियर समस्त पूरा नोट सहित एंड तुमको कंप्लीट नोट सहित क्लास रूम करदेवि क्लियर समस्त जॉइन करनी चलो एवं आम टॉपिक बुझा जो टॉपिक आम छाड़ी नवोदय रिजल्ट केमती जाना देख नवोदय रिजल्ट जानापाई का तुम फास्ट यही वेबसाइट देखने समस्ते नवोदय डॉट जी ओ वी डॉट इन एनबीएस इन होम ए जो वन लिखाई है तुम कौन कौन शो कर ना रेड लेटर ये जमी रेड लिखाई है रेड रे शो कर तुम रिजल्ट आसी सारी बिल्ली का बट तुम जब ये क्लिक कर समस्त क्लीयर कट कहूँ जिते ये तुम क्लिक कर ना तुम रिजल्ट देखिपर ना बुझीसा समस्त रिजल्ट कहीं तुमको आउ गोटे वेबसाइट जीवा पड़ो रिजल्ट देखापी आउ कौ वेबसाइट देखने समस्ते ये वेबसाइट देख समस्ते ये वेबसाइट जो वेबसाइट तुम फर्म फिलअप कर क्लियर समस्त ये वेबसाइट कौन ना देखने समस्ते वन सेकेंड सीबीएसई आईटीएमएस डॉट एनआईसी डॉट इन ये तुम कौन ना रिजल्ट देखिपर ये वेबसाइट तुम आसीज ये जो अनाउंसमेंट अच्छी देख समस्त ये जो अनाउंसमेंट हो तो ये गोटे स्क्रोल मुव हम लिखिदेव चेक योर रिजल्ट बोलिका तुम क्लास सिक्स रिजल्ट का ये जो लिखाई देख क्लिक हियर फॉर क्लास आईएक्स डाउनलोड एडमिट कार्ड तो ये ऊपर तुम आसीज क्लास सिक्स रिजल्ट बोलिक आसीज ठीक अच्छे रिजल्ट बोली आसीज रिजल्ट जो तुम मानक आसो ठीक अच्छे तुम मान कौन कहली ना तुम मार्क शो करनी मार्क तो शो करते मार्क रखीच तो मैंने केमती जानव तुम सिलेक्शन हो ना देखने समस्ते सिलेक्शन हो ना तो तुम एमती इंटरसाइट क्लिक कलापर एम गोटे इंटरफेस आसो जो तुम लिखाई थोड़े एमती इंटरव्यूर रोल नंबर आउ इंटरव्यूर डेट ऑफ बर्थ बुझेसला रोल नंबर आउ डेट ऑफ बर्थ तुमको एंटर करा पड़ो ठीक अच्छे देखो 2023 रिजल्ट एटा रोल नंबर आउ डेट ऑफ बर्थ एंटर करा पड़ो जो चेक रिजल्ट मारिबो तबे चेक रिजल्ट मारला क्लियर समझे ये तुम लिखीदेव जो मैंने सिलेक्शन होती प्रोविजनाली ये लिखीदेव यू आर देखने समस्ते यू आर प्रोविजनाली सिलेक्टेड इन मेरीट लिस्ट ये कौ कलर लिखा जाए यही कलर ग्रीन कलर में एमती लिखा आसीज यू आर प्रोविजनाली सिलेक्टेड मेरीट लिस्ट ठीक अच्छे जो मैंने सिलेक्टेड नुह देखो एमती जो रेड कलर तले लिखा है रेड रेड कलर लिखा है यू आर नॉट सिलेक्टेड इन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तुम प्रोविजनली मेरिट लिस्ट सिलेक्शन नुह बोली रेड कलर में आसो आ जो मैंने सिलेक्शन होती ग्रीन कलर में आसो एटा तो मुझे पिंक लिखी तुम कौन ना ग्रीन कलर में आसो बुझी आसला समस्त क्लीयर आउपर कौन कर तुम मेरिट लिस्ट तुम्हें देख देख ये तुम मेरिट लिस्ट एम पाइब देखने समस्त ये हूँ जेएनवी मेरिट लिस्ट ये आर वर्षर तुम्हें किए के नंबर रैंक अच्छी ओके किए कौ कैटेगोरी पाइजे सब जिन मेरिट लिस्ट तुमने सब देखिपर क्लीयर समस्ते बुझी आसला समस्त किसी डाउट ना ये कंप्लीट इनफर्मेशन सर रिजल्ट के आसो देख तुम मान रिजल्ट नवोदय गोटे गाइडलाइन अच्छी जो तुम्हें देखी थोड़े तार प्रोस्पेक्ट अच्छी प्रोस्पेक्ट कौन लिखाई था ना तुम मार्च ना एप्रिल रिजल्ट आसो समस्त बुझ रख के आसो गोटे सेकेंड तुम रिजल्ट जो आसो के ना मार्च ना एप्रिल ठीक अच्छे लिखाई है मार्च ना एप्रिल क्लीयर समस्ते बट जो तुम कहूँ रिजल्ट तुम सब नवोदय जिते भी एग्जाम हो सारी एवं जाए 2022-23 जाए समस्त कौन 45 मन रख 45 60 दिन भितर रिजल्ट आसे बुझी आसला 45-60 दिन तुम एग्जाम के एग्जाम तुम होता जानुरी 20 बुझ समस्ते जानुरी 20 जानुरी 20 10 धरी नि ओके बुझी आसला फेब्रुआरी हूँ कैसे दिन फेब्रुआरी 29 थी ठीक अच्छे मार्च के दिन जाए सर मार्च जाइए आमर आज 11 तारीख ना 11 तारीख देख 20, 10, 30, 10, 40, 49, 50 आउ 10 दिन मुझे तुमको कही आर भिड कौन ना 17 तारीख पर पसबिलिटी अच्छी तो देख आउ 10 दिन भितर तुम रिजल्ट आसीज मैंने कि 11 आज अच्छी 20-22 आड़ रिजल्ट तुम आसीज ठीक अच्छे कही 17 तारीख पर जदि भी न आसुता भितर तो एप्रिल फास्ट वीक तो डेफिनेटली 100% आस बुझेगा बट पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे ये 10 दिन भर रिजल्ट आस बहुत सारा पिला बहुत सारे पेरेंट्स मैं पचार दरकार नहीं फोन करके व्हाट्सअप पर मेसेज करा दरकार नहीं तो सर रिजल्ट के आसो रिजल्ट के आसो ये फुल्ली आउ क्लीयर कट इनफर्मेशन विथ अथेंटिक जेन्युइन जिनस समस्त बुझेसा केमती सिलेक्शन होती नहीं जापर
କେମିତି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତୁମର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ନାଁ ତୁମର ଅଛି କି ନାହିଁ, ସିଲେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ତାପରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ବି କଟନ୍ତି କାହିଁକି ତୁମର ଆଡମିସନ ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭୁଲ ଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିନେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ୱେଭି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବେ ବା ୱେଭି ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରିବେ ସେମାନେ କ୍ଲାସ ଜଏନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କ୍ଲାସ ଆମର ଟାଇମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଇଣ୍ଟ୍ରଡକ୍ସନ କ୍ଲାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ସବୁ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ କ୍ଲାସ କରାଯିବ। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଥିଲା କହି ନଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ସାର୍, ଆମର ଯେଉଁ ନବୋଦୟ ଆଉ ୱେଭି, ବୁଝ ୱେଭି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜେଏନଭି, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୁକ୍ ସେମ୍? ୟେସ୍, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୁକ୍ ସେମ୍। ବା ଯେଉଁଠି ବି ତୁମର ସିବିଏସ୍ଇ କୋର୍ସ ପଢ଼ା, ସେ ତୁମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ କି ନବୋଦୟ ଆଦର୍ଶ ପଢ଼, ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁକ୍ ସେମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିୟର? ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସିବିଏସ୍ଇ ଏନ୍ସିଆରଟି ବୁକ୍, ତ ସେ ଏନ୍ସିଆରଟି ବୁକ୍ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁକ୍ ସମାନ, ତ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆମର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିନ, ଯେଉଁମାନେ ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିବ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିନ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନବୋଦୟ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ୱେଟ୍ କରି ବସିଛ, ନବୋଦୟ ରେଜଲ୍ଟ ସରି ନବୋଦୟ ରେଜଲ୍ଟକୁ ୱେଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ଆଡମିସନ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ବି ତୁମର ନବୋଦୟ ଯିବାର ଅଛି, ମୋ ଆଦର୍ଶ କ୍ଲାସ୍ ଏବେଠୁ କର, କାହିଁକି ନା ଆମର ମନ୍ଥଲି ରଖାଯାଉଛି ଆଡମିସନ ଫିସ୍। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛ 5 ଟଙ୍କାରେ ଆଡମିସନ କରିପାରିବ, ଆଉ ମନ୍ଥଲି 6 ଟଙ୍କା। ଓକେ, ଦୁଇମାସ ତ ତୁମେ ପଢ଼ିକି ତିନିଟା ଚାରିଟା ଚାରିଟା ଚାପ୍ଟର ସବୁ ସବୁଠୁ କଭର କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଶୀଘ୍ର ଆଡମିସନ କରି କ୍ଲାସ୍ କରି ରଖ, ଲେଟ୍ ହୁଅନି। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଡମିସନ କରି ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ଆଡମିସନ କରିବା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଦରକାର ନା, ତୁମକୁ ବହୁତ ତୁମେ ବହୁତ ଟିକେ ପଛରେ ଅଛ, କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ଇଂଲିଶ ବିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲେଟ୍ ନ କରି ଜଲ୍ଦି ଆଡମିସନ କର। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଜଲ୍ଦି ଆଡମିସନ କଲେ ତୁମର ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ରହିଲେ ଠିକ ହେବ, କାରଣ ନବୋଦୟର ତୁମେ ଆଡମିସନ ବେଳକୁ ଆଉ 2 ମାସ ରହିଲାଣି, ଆଡମିସନ ତୁମର ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ 2 ମାସ ରହିଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 2 ମାସ ତ ବସିବାର ନାହିଁ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟାଟା ବାୟ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ କ୍ଲାସେସ୍।